सहारा मैरिज हॉल मुम्बरा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। गली से गाड़ी उठा लेते हैं, ट्रैफिक के गली में रहती है, ट्रैफिक हटा रहे हैं कि पैसा लूट रहे हैं। मेरे को बताओ तो कहाँ पार्क करने है गाड़ी, एक पार्किंग जोन तो बनाओ। मेरी ऑफिस के बाहर मेरी बाइक खड़ी थी, कोई ना अलग से कैश 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 पेमेंट दे रहे, जिसकी ना रिसीव बन रही है ना एंट्री हो रही है, और ये कैश पेमेंट ये लोग कलेक्ट करके गाड़ी छोड़ दे रहे। ये पार्किंग रोड ही पे है ना, पार्किंग कहाँ है? ये तो वो ड्राइंग करके लाए। हाँ तो कहाँ, मतलब इसकी परमिशन होनी चाहिए ना कुछ। ये पार्क, ये भी नो पार्किंग है ना, फिर तो इसको भी उठा के लेके जाओ। जंगल राज चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये गए गाड़ी उठा लिए, गाड़ी टोइंग करे लाए और फाइन मारे। 200 रुपए की पावती है, लेकिन अब 700 रुपए परेशान करके फाइन लिया जा रहा है। जामर देने से आवाम परेशान है। हमारा आमदार कभी आए इस मुद्दे में, उनको शादियों में जाने के लिए टाइम है, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए, लोगों की तकलीफ के लिए टाइम नहीं है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुम्बरा के ट्रैफिक विभाग कार्यालय पर, और आपको बता दें कि जिस तरह से मुम्बरा शहर में जो गाड़ियां पार्क की जाती हैं और टोइंग करके उन गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर शहर में कहीं ना कहीं नाराज़गी देखी जा रही है। लेकिन अब जो है इसके खिलाफ, या यूँ कहे कि जो एनसीपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है, या एक बात और आपको बता दें कि अजीत पवार गुट के एनसीपी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अब आपको मुम्बरा शहर में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और पहला मुद्दा शायद इन लोगों का ट्रैफिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर ये लोग कहीं ना कहीं आज ट्रैफिक विभाग के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं सुरेश खेडकर, उनसे मुलाकात की है। क्या बातचीत हुई है, इन्हीं से बात करेंगे हम। जसवीर भाई, आप लोग बड़े दिन के बाद कहीं ना कहीं मुम्बरा शहर के मुद्दे को लेकर आज उतरे हैं, और जो ट्विंग करके गाड़ियां उठाई जा रही हैं, दो पहिया वाहन खास करके उठाई जा रही है, तो ट्रैफिक के जो सीनियर हैं उनसे मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई है? ये आवाम की बहुत बड़ी दिक्कत थी और एक किल्लत थी, जो ये इन लोग कहीं से भी गाड़ियां उठा रहे थे बिना कोई नोटिफिकेशन के, बिना कुछ बोले किसी को, बिना कुछ आगाह किए किसी को। 3 बार अनाउंस करने का इनका रूल है ट्रैफिक वालों का, मगर ये बिना कोई अनाउंसमेंट के गाड़ियां उठा लेते, कहीं से भी उठा लेते, तो गली से गाड़ी उठा लेते, ट्रैफिक के गली में रहती है, ट्रैफिक तो रोड पे रहती है ना। आप मेन हाईवे से या रोड पे से गाड़ी उठाए, हमारे यहाँ मोस्टली बिल्डिंगों के नीचे पार्किंग है नहीं, तो गाड़ी जो रह रहे स्थानिक लोग वो तो बिल्डिंग के नीचे गाड़ी पार्क करेंगे ना। आपकी गाड़ी कहाँ पार्क होती है? बिल्डिंग के नीचे होती है बाइक, तो वहाँ से बाइक उठा लेंगे तो आप क्या करेंगे, फ़ाइन भरेंगे आगे? ये ट्रैफिक हटा रहे हैं कि पैसा लूट रहे हैं? ये ठेकेदारों का पैसा लूटने का काम है कि ट्रैफिक हटाने के आड़ में क्या चल रहा है? मैं सीनियर साहब से ये क्वेश्चन करने आया था, तो सीनियर साहब ने आश्वासन दिया है कि ये अभी आज के बाद गलियों से गाड़ी नहीं उठाएंगे। इन्होंने सिर्फ ट्रैफिक ईज़ करने के लिए ये यहाँ पे जो मतलब अपना मेन रोड है वहाँ से गाड़ी उठाएंगे, और अभी तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि गाड़ी पार्क कहाँ करनी है। क्या हम लोग पैदल चले फिर अभी रोड पर? गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, मेरे को बताओ तो कहाँ पार्क करने है गाड़ी? एक पार्किंग जोन तो बनाओ। चलो पार्किंग जोन हमारे पास मुम्बरा शहर में नहीं है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, तो पार्किंग जोन की मांग करें उन्होंने। इन्होंने ये बताया कि पार्किंग जोन की मांग महानगर पालिका से इन्होंने की है, चलो वो तो ठीक है, मगर तब तक के लिए कुछ तो सोल्यूशन निकालो इस चीज़ का। तो इन्होंने ऑड इवन का सोल्यूशन निकालने की बात कही है, और ये 1 हफ्ते के अंदर ही इम्प्लीमेंट करने वाले, ऐसे 54 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि जहाँ ये पार्किंग और नो पार्किंग लगाने वाले हैं, तो वो हिसाब से फिर हम आवाम को एक्सप्लेन करेंगे कि जहाँ जहाँ पार्किंग रहेगा वहीं आप गाड़ी पार्क करें, आप खड़ी करें, जहाँ नो पार्किंग रहेगा वहाँ आप गाड़ी खड़ी मत करें, वहाँ से आपकी गाड़ी टो हो जाएगी। आज आवाम हमारे को आगे क्वेश्चन करती है कि यहाँ से हमारी गाड़ी उठा ली गई, तो हमको क्या जवाब देंगे हम लोग? हम लोग किससे पूछेंगे? हम लोग जब इनसे पूछे तो इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। ये भी हमको बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास नो पार्किंग जोन है नहीं, तो हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन जो अंडो पार्किंग का मसला जो है वो काफ़ी बड़ा है, और आप लोगों को बताया गया है कि 54 जगह जो है शायद पॉइंट बनाया गया है, तो ये कहां से कहां तक जो है 54 जगह पर पॉइंट? 54 जगह इन्होंने पॉइंट्स बनाया है, मगर 54 जगहों में से अभी इन्होंने 54 जगह को फाइनलाइज नहीं किया है। इन्होंने लिखा है बाकायदा पेपर पर, जैसे हर गली का एक नाका होता है मुम्बरा स्टेशन से लेके आप बाईपास के नीचे तक,
ये अभी तक इन्होंने सिर्फ लिखा है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है और इसको मतलब बताया नहीं, नोटिफिकेशन अभी तक इन लोग का अप्रूव नहीं हुआ। आपस में डिस्कशन करके इन लोग करेंगे जो करना है, मगर मैं समझता हूँ कि 54 जगह में से 30 जगह पे लाएंगे इन लोग, मगर लाएंगे ज़रूर, करना तो पड़ेगा, नहीं तो आवाम क्या पैदल चलेगी, बाइक का पार्क करेगी, बाइकों पे चलेगी तो बाइक पार्क अभी अभी, अभी एक शिकायत आई शायद इनका गाड़ी जो है ये अंदर गली में से उठाया, क्या नाम है? नबील काजी। कहाँ से उठाया? दारुल फलाह कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 1 अलहमरा के सामने से। उन लोग का कहना है किसी ने कंप्लेन किया था, जावेद नाम बता रहे हो। सर कंप्लेंट है कुछ भी है, मेरी तो 30 साल से वहाँ पे ऑफिस है, तो मैं बाइक कहाँ खड़ी करूँगा, मेरी ऑफिस के बाहर मेरी बाइक खड़ी थी, तो अगर हमारे को विदाउट इन्फॉर्म वहाँ पे आ गया, अगर टोइंग वाले ने अनाउंसमेंट नहीं किया है और कुछ मालूम नहीं किया है और ऐसा गाड़ी उठा ले। टोइंग वालों का कहना है कि गली में खड़ी थी लेकिन जहाँ से मोड़ है तो वो आधे मोड़ पे आपने गाड़ी खड़ा करके रास्ता बंद कर दिया। नहीं हजरत, मेरे पास में उसका वीडियो है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। आधे रास्ते पे है टोइंग वाला लेके, कोई इशू नहीं है, उन्होंने बोल दिया, लेकिन मेरे पास में उसका वीडियो है, मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, रास्ते के बीच में नहीं है और कोई रास्ता बंद नहीं है, मैं आपको उसका वीडियो। फाइन भरे आप? अभी फिलहाल सर मैं यहाँ पे आया था फाइन पे करने के लिए और गाड़ी लेने के लिए, तो पहले तो ऐसा हो रहा था कि ये लोग कैश पेमेंट ले लेते थे और मतलब गाड़ी दे देते बिना रिसीव के, लेकिन आज मुझे खुद को पता चला है कि सिर्फ 200 रुपये की एक पावती मिलती है हमारे को टोइंग की और 500 रुपया ऑनलाइन पे करना रहता है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनको मालूम नहीं है और वो सब इनको है ना अलग से कैश 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 पेमेंट दे रहे, जिसकी ना रिसीव बन रही है ना एंट्री हो रही है, और ये कैश पेमेंट ये लोग कलेक्ट करके गाड़ी छोड़ दे रहे। तो मेरे को आज पता चला और भाई ये वीडियो सबको शेयर करूंगा, मेरे खास करके जितने ग्रुप है दोस्त है, कि भाई सिर्फ 200 रुपया टोइंग का अगर आप पेमेंट कीजिए, बाकी ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, इनको कैश पेमेंट मत दीजिए। और मेरी एक मांग और है कि भाई जब ऑनलाइन 500 पे करना है और गवर्नमेंट का फाइन है तो फिर गाड़ी क्यों उठाई जा रही है स्पॉट से, या तो फिर आप टोइंग का पैसा भी उसके अंदर ऐड कर लो। आप टोइंग करो ही मत, आप खाली फोटो मारिए ऑनलाइन का, ये डाल दीजिए ऑनलाइन जो होता है बाहर चलता है वैसा करो ये काम। जसवीर भाई आप लोग जो है अजीत पवार गुट के एनसीपी के हैं और जो शरद पवार गुट एनसीपी के हैं उनके तो पदाधिकारी खुद यहाँ पर जामर दे रहे हैं, क्या नहीं हो रही है, और दो और 100 क्लैंप दो ताकि और क्लैंप लगे और फिर बाइकें उठाए जाए और लोग परेशान होते रहे और आवाम फाइन भरते रहे। पहले टोरंट लाके टोरंट पे रेट बढ़ा दिया गया, अब ऐसा नहीं तो ऐसा घूस खाओ, मतलब यहाँ से आवाम का पैसा खाली करो पार्किंग पे से। अब देखो हमारी गाड़ियाँ कहाँ से उठाई जाती है, रोड पे से ना, आवाम की कहाँ से उठाते, रोड पे से उठाते ना, रोड के किनारे जो खड़ी रहती है। तो ये गाड़ी क्या है, ये पार्किंग किस चीज़ की है, ये पार्किंग रोड ही पे है ना, पार्किंग कहाँ है, ये तो वो टोइंग करके लाए। हाँ तो कहाँ, मतलब इसकी परमिशन होनी चाहिए ना कुछ, ये पार्किंग हो कहा रही है, रोड पे हो रही है, ये भी नो पार्किंग है ना, फिर तो इसको भी उठा के लेके जाओ, इसका कौन जवाब देगा, इसका कौन जवाब देगा आप बताएं। अभी हम ये सवाल किससे करें, इसके बारे में आपने पूछा? नहीं नहीं इसके बारे में पूछा नहीं, अभी मैंने पूछूंगा नेक्स्ट मीटिंग में, ये भी सवाल करूंगा, मैं बाहर आने के बाद इस पे ध्यान गया मेरा, मैं इस पे भी सवाल करूंगा जब एक हफ्ते बाद मिलने जाऊंगा। स्पेस अवेलेबल नहीं है इस वजह से वो यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, उन्होंने बोला उनके पास अभी फिलहाल स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो ये गलत है कि रोड पे से ही वो ऐसा उन्होंने बता रहे हैं। हाँ और यहाँ पे भी जो खड़ा कर जब डिपार्टमेंट के पास नहीं है स्पेस तो आम पब्लिक के पास कहाँ से। देखिए वही हम लोगों ने बात किया उनसे तो उन्होंने क्या बोला कि अभी ये उस पर काम कर रहे हैं, महानगर पालिका से भी इनकी बात चल रही है, लोगों ने जो पॉइंट्स वगैरह सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे नो पार्किंग जोन, जैसे ये कौसा जो किस्मत कॉलोनी से लेके कौसा तक के लिए ये नो पार्किंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल गाड़ी नहीं पार्क कर सकते हैं, उसी तरीके से इनकी आगे बात चल रही है, एक हफ्ता इन्होंने बोला है, देखते हैं एक हफ्ते में क्या होता है। लोग टोइंग के खिलाफ नहीं लेकिन इनको भी पूरा बंदोबस्त पहले कर देना चाहिए था, उसके बाद शुरू करना चाहिए था। पहले सिस्टम आप क्रिएट करते, पहले सिस्टम से आप आवाम को एक्सप्लेन करते, आवाम को आप इस चीज़ की मालूमात देते, उसके बाद आप कुछ करते ना। अब ये कैसा हो रहा है, मतलब एक जंगल राज चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये गए गाड़ी उठा लिए, गाड़ी टोइंग करे लाए और फाइन मारे। अरे आवाम के पास वैसे ही दिक्कत है, वैसे ही काम और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है शहर में, उसके बाद लोगों से पैसा लिया जा रहा है, जवानों से पैसा लिया जा रहा है, यूथ से पैसा लिया जा रहा है, हर किसी की बाइक है, बूढ़ा हो कोई भी, सबको तकलीफ ही है ना। अब लाना वो ला के यहाँ रख देते, वापस गाड़ी छोड़ देते, पैसा लेते छोड़ देते। जैसा आपने सवाल किया कि अब शरद पवार गुट वाले लोगों ने जैमर दिए, उनका काम था उनको रोड पर आके बताना कि अब पार्किंग कहाँ है पार्किंग कहाँ नहीं है, उनका काम था लोगों को सलूशन दिखाना, क्या यहाँ पार्क करो यहाँ ना करो, उनका काम था सलूशन देना, पर उन्होंने पहला क्या सोचा, पब्लिक को परेशान कैसा किया जाए। जैसे ये भाई ने बोले 200 रुपये खाली फ़ाइन है, 200 रुपये की पावती है, लेकिन अब 700 रुपये परेशान करके फ़ाइन लिया जा रहा है, ये सिर्फ आवाम को परेशान करने का तरीका है। जामर देने से आवाम परेशान है, तुमको आवाम को आगे पार्किंग जोन
वो सब तुमको सुविधा देना चाहिए था, पर आए हमारे आमदार कभी आए इस मुद्दे में? उनको शादियों में जाने के लिए टाइम है, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए, लोगों की तकलीफ के लिए टाइम नहीं है। जसवीर भाई, ये तो शिकायत की हो गई बात, लेकिन अभी आप लोग भी नजीमुल्ला के काफ़ी करीब हैं, तो आप लोगों ने ये यहाँ आने से पहले नजीमुल्ला से बात वगैरह की कि ऐसा ऐसा मामला है, इसके लिए वो क्या समाधान करेंगे, क्या कुछ पार्किंग वगैरह की व्यवस्था वो करा पाएंगे? सर, यहाँ आने से पहले हमारे नजीब मुल्ला साहब से ही बात हुई, और मैंने उनकी बात सीनियर साहब से भी करवाया, ट्रैफिक सीनियर साहब से, और उनके बोलने पे और उनके ही इशारों पे मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे मैं सीनियर साहब से जो भी वार्तालाप हम लोग ने किया है और जो भी डिस्कशंस किया है, जो भी हम लोग ने कंप्लेंट्स रखी है, ये उनके बोलने और उनके आदेश अनुसार ही हम यहाँ आए, और इंशाअल्लाह ताला जो आगे जितनी भी ये पार्किंग जोन का मसला है जो महानगर पालिका दे सकती है, तो हम लोग नजीब भाई से ये ऑलरेडी बोल चुके हैं, और नजीमुल्ला साहब इस पर भी इंशाअल्लाह ताला मेहनत करके वो पार्किंग जोन के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से जसवीर और सरफराज और अन्य तमाम जो है नजीमुल्ला के कार्यकर्ता हैं, या यूँ कहें कि अजीत पवार शरद गुट के एनसीपी कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से ट्रैफिक का इशू है, जो टोइंग करके गाड़ियाँ लाई जाती हैं, यहाँ पर देखेंगे कि टोचन की जो व्यवस्था है ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये है, लेकिन जो गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं शहर में, लोग कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और इसी मुद्दे को लेकर आज तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। ट्रैफिक सीनियर से भी बातचीत हुई इस तमाम मुद्दे को लेकर इन लोगों से, और शहर में बताया गया है कि अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे 54 जगह हैं जहाँ पर पार्किंग और नो पार्किंग का बोर्ड जल्द ही लगने वाला है।